अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है ऑन नॉन केकी फाउंडेशन टिप्स, ठीक है। और ये जो है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो तो आई अश्योर यू किसी भी किस्म की केकीनेस नहीं आएगी फाउंडेशन में। तो सबसे पहले है फेस क्लेंजिंग, फेस वॉश से आप लोगों ने अपना फेस जो है बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है, ठीक है। आप लोग जो हो होम रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एवरी डे में वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई एम सिंपली गोइंग फॉर फेस वॉश बाय वाइटनिंग एसेंस। स्टेप नंबर टू जो है, जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये जो है ये लाजमी नहीं है हर रोज़ के लिए, बट मेक श्योर कि आप हफ्ते में दो दिन जो है अपनी स्क्रबिंग ज़रूर कर रहे हो। इससे आपके फेस के ऊपर एक फ्लॉलेस फाउंडेशन वाला इफेक्ट आएगा। और मैं जो स्क्रब यूज़ कर रही हूँ ये है वाइटनिंग एसेंस का। माय कोड इज़ HJ10 फॉर वाइटनिंग एसेंस। इनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी हैं। मैं इनका फेस वॉश और ये वाला स्क्रब तो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप लोग स्क्रब कर लेते हो ना, तो आपकी जो स्किन है वो इवन टोन हो जाती है, मतलब कोई बम्पी बम्प्स नहीं रहते। और जब बम्प्स नहीं रहते तो उससे फिर ये होता है कि आप लोगों की जो फाउंडेशन है वो बहुत ही फ्लॉलेस लगती है। जेन फार्म का मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र आफ्टर योर फेस वॉश इज़ लाजमी लाजमी। और ये जो है ये आप लोगों ने फॉर श्योर ये स्टेप मिस नहीं करना। ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, वॉट एवर योर स्किन टाइप इज़, मेक श्योर कि योर स्किन इज़ मॉइस्चराइज्ड, वरना फाउंडेशन जो है वो सारी पिघल जाएगी स्वेट से, ऑयल से, और वो स्टेनिंग करेगी। तो मेक श्योर कि आप मॉइस्चराइज कर रहे हो। जेन फार्म का मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, इसका जो है मैंने वो भी कर दिया था रिव्यू। उसके बाद जो है आप लोग कोई भी आई सीरम यूज़ कर सकते हो। बहुत से लोग जो हैं अपनी स्किन प्रेप के टाइम पे आई सीरम्स नहीं यूज़ करते, लेकिन अगर आप लोग ये स्टेप करना शुरू कर दोगे, आप लोग ऑब्ज़र्व करोगे कि जो आपकी क्रीजिंग होती है ना कंसीलर लगाने के बाद, वो बहुत हद तक कम हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हर प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा लगाना है, और हर प्रोडक्ट के बीच में आप लोगों ने कुछ सेकेंड्स का गैप देना है ताकि वो आपकी स्किन में बैठ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेयर स्ट्रक्चर का ये सीरम लगाया है, हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, ये थोड़ा सा ऑयली है। डोंट फॉरगेट योर SPF, ये SPF है IQ ऑर्गेनिक्स का, और ये थोड़ा सा सीरम बेस्ड है। वैसे इसकी कोई वाइट कास्ट नहीं है, इट्स अ गुड सनस्क्रीन, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं की। आई हैव यूज्ड इट वंस और ट्वाइस, तो इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू गेट इट तो आप IQ ऑर्गेनिक्स से जाके ख़रीद सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्राइमर। प्राइमर स्किप नहीं करना। मैं भी अक्सर सुस्ती के अंदर प्राइमर स्किप कर देती हूँ। आई थिंक बहुत सारे लोग जो है ना वो प्राइमर्स को स्किप कर देते हैं, बट यार प्राइमर जो है ना वो आपके पोर्स को फिल करता है। प्राइमर की खैर बहुत टाइप्स होती हैं, तो आप लोग जो हो मेबेलिन का ही ले लो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सूट करता है। इसके बाद जो फाउंडेशन इतनी फ्लॉलेस लगती है उसका, इतना अच्छा और मतलब एक स्मूथ सा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो मैं ये बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हूँ, और हर बार मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। फाउंडेशन जो है वो स्टे करेगी, केकीनेस नहीं आएगी। प्लीज़ इफ़ यू फॉलो these steps तो आप लोगों की केकीनेस वाला मसला ख़त्म हो जाएगा और मेकअप बहुत प्यारा लगेगा। एंटाइस कॉस्मेटिक्स का जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, का स्किन टिंट मैं यूज़ कर रही हूँ, इन अर्थी पोर्शन, ठीक है, इसका ये नाम है। और इनका स्किन टिंट ये वाला काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन के हिसाब से थोड़ा सा ये डार्क हो जाता है, लेकिन एनीवेज इनका स्किन टिंट मैं काफ़ी अर्सा यूज़ करती रही हूँ, बहुत प्यारी खुशबू है। और स्किन टिंट एज एन, अगर आप इसको ज़्यादा लगाओगे तो ये एज एन फाउंडेशन के तौर पर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी तकरीबन लाइट से मीडियम कवरेज है, मोर ऑफ ऑन लाइट कवरेज के ऊपर है ये वाला, ठीक है। एवरी डे यूज़ भी आप कर सकते हो। तो आप लोग अगर अपनी फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो, उसकी हाई कवरेज है, मीडियम कवरेज है, पहले मेक श्योर कि आप लोग अपने हाथों की मदद से उसको ब्लेंड करो। डोंट यूज़ अ फाउंडेशन ब्रश। फाउंडेशन ब्रश को यूज़ करना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो आप लोग जो हो गो फॉर अ वेट ब्यूटी स्पॉन्ज, ठीक है। अच्छे तरीके से गीला करो, उसके अंदर से पानी निकालो, उसके बाद डैबिंग मोशन के अंदर यू हैव टू ब्लेंड द फाउंडेशन। टेक योर टाइम, और जल्दी जल्दी में ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट को, वरना वो केकीनेस वाला इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आराम आराम से, सुकून से अपनी फाउंडेशन को आप लोगों ने ब्लेंड कर लेना है, और आपकी फाउंडेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी।
अब आते हैं हम कंसीलर के ऊपर. कंसीलर के ऊपर मैं प्रोडक्ट्स की ये टिप देती चलूँ कि अगर आप लोग कोई क्रीम प्रोडक्ट्स लगा रहे हो ना, और आप लोग उसको डायरेक्ट स्किन के ऊपर ना लगाओ, आप लोग पहले ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर अपने हाथ के ऊपर लगाओ. ब्यूटी ब्लेंडर पे लगाने के बाद देन अप्लाई इट ऑन योर फेस. तो ये हैक जो है ना, ये मैंने खुद भी कहीं देखा था एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस एंड दिस वन इज़ सो ईजी और इतनी अच्छे से प्रोडक्ट लग जाती है विदाउट एनी केकीनेस. तो आई विल हाईली रिकमेंड टू यू ऑल कि ट्राई दिस आउट. अगर आप बिगिनर हो या आप लोग आप मेकअप करते रहते हो, मतलब बहुत सी लड़कियाँ हैं जो मेकअप भी करती रहती हैं और बहुत सी लड़कियों को मेकअप बहुत अच्छा अच्छा आता है, तो आप लोग ये स्टेप्स फॉलो करो और आप लोगों की फाउंडेशन की केकीनेस का मसला ख़त्म हो जाएगा. CVB कॉस्मेटिक्स का ये कॉम्पैक्ट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ. आप लोग कोई भी कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो, और वो जो उसके अंदर छोटा सा ये पफ आता है, इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ. और मुझे ऐसे लगता है कि इससे कंसीलर रिलेटिवली ज़्यादा बेहतर सेट हो जाता है इन कंपैरिजन टू आप जो ब्रशेस यूज़ करते हो. मतलब उससे जो है ना, वो इतनी अच्छी लुक नहीं आती जितनी अच्छी इससे आती है, या वो जो पाउडर पफ मिलता है सेपरेटली. ठीक है, आप लोग ये यूज़ कर सकते हो. डोंट फॉरगेट योर सेटिंग स्प्रे. और इससे जो होगा ना, आपकी जो पाउडरी फिनिश वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा और किसी भी किस्म की केकीनेस नहीं आएगी और पाउडरी लुक नहीं आएगी. ये मैंने मेकअप कर लिया था एंड दिस इज़ द एंड रिजल्ट. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच रेस्ट ऑफ माई वीडियोज. गिव दिस वीडियो अ थम्स अप. और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.